उत्तर प्रदेश विधान परिषद कानपुर खंड स्नातक निर्वाचन 2023 के मतदान हेतु जिलाधिकारी नेहा जैन व पुलिस अधीक्षक पुलिस बीबीजीएसटी मूर्ति पुलिस लाइन ग्राउंड में निर्वाचन ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग किया। कार्यक्रम कलेक्ट्रेट माती के समीप बने वेयर हाउस से मतदान कर्मियों के पोलिंग पार्टियों की रवानगी का जायजा लेते हुए एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपस्थित अपर जिलाधिकारी प्रशासन केशव नाथ गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया मौजूद रहे। हमारे जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है, तो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जो बना हुआ है, ये नंबर भी लिख लीजिए बाय एनी चांस अगर आपके पास ना हो, 90440 90440 700 700 90440 700 300 ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में बना हुआ है। तो अगर बाय एनी चांस आपको किसी का नंबर मिल रहा है तो तुरंत इस पे कॉल कर सकते हैं, जिससे हमें वो लोग संपर्क करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, जब अभी कानपुर देहात में जो 14 पोलिंग सेंटर्स और 37 जो पोलिंग बूथ्स पे जो हमारी स्नातक और शिक्षक एमएलसी इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें पूरी तैयारी हो चुकी है, चाहे वो पीएससी का मतलब व्यवस्था हो या हमारे सशस्त्र बल हो और बाकी अन्य कर्मचारी जितने भी, सभी का हो गया। 14 पोलिंग सेंटर में हमने इनको दो सुपर जोन में डिवाइड किया है पूरे क्षेत्र को, उसमें दो एडिशनल एसपी उसका नेतृत्व में है और 6 जोन में बांटे हैं। 6 जोन में हमारे 6 सीओ भी है। उसके अलावा जो 14 पोलिंग सेंटर्स हैं उन सभी पे एक एक एसएचओ और इंस्पेक्टर लेवल पे है, और उसके अलावा 3 अति संवेदनशील जो मतलब मानक के अनुसार घोषित किया गया है, शिवली, संदलपुर और मेहता, तीनों के यहाँ हम एक एक्स्ट्रा इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं। उसके अलावा मतलब जो हमें एडीजी जोन सर और आईजी सर से जो पीएस जो शिक्षक और स्नातक के हैं वो कानपुर प्रखंड में 3 जनपदों में होने हैं, जिस क्रम में जनपद कानपुर देहात में 37 पोलिंग बूथ हैं जो कि 14 पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे हैं। अधिकतर जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन है वो हमारे ब्लॉक कार्यालय और नगर पंचायत कार्यालय हैं। सभी जगह सभी व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली गई हैं। सभी पोलिंग जो कर्मी हैं उनकी 2 ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। कल सेकेंड रैंडमाइजेशन के तहत सभी पार्टीज को रैंडम आधार पे बूथ एलोकेट और वाहन एलोकेट कर दिया गया है। सभी पोलिंग पार्टीज के साथ वीडियोग्राफर रहेंगे। रिजर्व में हमारे पास पर्याप्त पार्टीज हैं। सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होगा और निष्पक्ष मतदान संपन्न होगा, ये मैं सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।